आजर एक नू सेसन रे स्वागत। आज सेसन रे आलोचना करिबा कालिंदी चरण पाणिग्राही जो मैंने भी ओपीएससी पीजीटी ओडिया एग्जाम प्रिपेरेशन होती आज सेसन टी उपयोगी हो पार और जो मैंने भी आज सेसन को देखुं निश्चिंत रूपे चैनल को गोटे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को गोटे लाइक करेंगे। चलतु आज सेसन आरंभ करवा। ये होची ओपीसी पीजीटी पेपर टू सिलेबस। यह आगु आम गुरुप्रसाद महांती गोपीनाथ महांती गोदावरी महापात्र सचि राउतराय कालीचरण पट्टनायक यू आलोचना कर दे। आज आलोचनार विषय हूँ कालीचरण पाणिग्राही। देखा कालीचरण पाणिग्राही जन्म हुए 1901 मसीह आउ मृत्युवरण करती 1991 मसीह। जन्मस्थान हूँ विश्वनाथपुर जहाँकि पुरी जिले अवस्थित ना। ओडिशार प्रसिद्ध सारस्वत साधक कालीचरण पाणिग्राही तत्कालीन पुरी जिलार विश्वनाथपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते। पिता नाम स्वप्नेश्वर पाणिग्राही से वृत्ति जड़े आईनजीवी थे ना। कालीचरण निजर बाल्य शिक्षा पुरी समाप्त कर सारे से रेवेन्सा महाविद्यालय निजर नाम लिखाई। देखते कौन कह ओडिशार प्रथम नारी मुख्यमंत्री भाव बहु लोकप्रिय हासिल कर नंदिनी शतपथी से कन्या ना। ओडिशार जो प्रथम नारी मुख्यमंत्री पिता थे कालीचरण पाणिग्राही और सान भाई थे जे कि भगवती चरण पाणिग्राही जे कि कौन ना ओडिशा कम्युनिस्ट आंदोलन सूत्रपात करते किए ना भगवती चरण पाणिग्राही। तांकर विख्यात गल्प हूँ गोटे शिकार बस एसबू ना। रेवेन्सा महाविद्यालय पढ़ा समय कालीचरण अद्भुतपूर्त साहित्य प्रतिभार अभ्युदय घटी। कॉलेज से नॉनसेफ क्लब गठन करते क्लबर सभ्य थिबा 9 जन लेखक लेखिका मिलित भाव में उत्कल साहित्य पत्रिकार बासंती नामक एक उपन्यास धारावाहिक भाव प्रकाशित होता ना। यही समय सबुज गोष्ठी मुखपत्र जहाँ जुगबीणा कालीचरण लेखा प्रकाश पाला ना। परवर्त समय बालेश्वर रु प्रकाश पाता एक इंग्रेजी और निज ओडिया पत्रिकार से संपादन कर। चलतु एमसीक्यू किसी आलोचना करने। प्रथम प्रश्न कह ना माटीर मनीष उपन्यासटी प्रथम क्यों पत्रिकार प्रकाश पाई। ऑप्शन दे उत्कल मधुप उत्कल दर्पण उत्कल साहित्य ना मुकुर। प्रश्न कौन कह माटीर मनीष उपन्यासटी प्रथम क्यों पत्रिकार प्रकाश लाभ कर। देखा सठिक उत्तर हूँ उत्कल साहित्य। परवर्ती प्रश्न क्यों उपन्यासटी मृषाल सेन निर्देशन कथाचित्र रूपे मुक्तिलाभ कर। ऑप्शन दीची नीलशैल का अमृतर संतान माटीर मनीष। क्यों उपन्यासटी मृणाल सेन निर्देशन कथाचित्र रूपे मुक्तिलाभ कर। जब देखा सठिक उत्तर हूँ माटीर मनीष। ये का उपन्यासटी कहार आ क्यों पुरस्कार पाई कमेंट बॉक्स रे उत्तर जनइबे। माटीर मनीष उपन्यास रे साम प्रधान घर केउठार अवस्थित। प्रधानपड़ा आगपुर हरिपुर बिरूपा नदी कूल। माटीर मनीष उपन्यास साम प्रधान घर केउठार अवस्थित। देखा सठिक उत्तर हूँ प्रधानपड़ा। कालीचरण पाणिग्राही बहुमुखी प्रतिभा जो क्यों फेलो रूप से मनोनीत कर। ऑप्शन देखा केन्द्र साहित्य एकाडेमी ओडिया साहित्य एकाडेमी सारला साहित्य साहित्य भारती सम्मान। प्रश्न कौन कही
कालिंदी चरण पाणिग्राही को बहुमुखी प्रतिभा जोगु तांको केउ फेलोरे रूपे मनोनीत करा जायथिला जो देखिबा सठिक उत्तर डी हेबो केन्द्र साहित्य एकेडमी। ए होची कालिंदी चरण पाणिग्राही को उपन्यास ता केउ मसियार प्रकाश पाइथिला देखिबा जदि माटीर मनीष उपन्यास प्रकाश पाइथिला 1931 मसिया रे। मुक्तगढ़ क्षुदा जहाँ कि प्रकाश पाई 1932 मसीह लुहार मनीष प्रकाश पाई 1947 आज मनीष प्रकाश पाई 1957। कालिंदी चरण पाणिग्राही अमर चिता उपन्यास केबे प्रकाश पाई ऑप्शन देखा 1935 32 37 45 जहाँकि 1932 मसीह प्रकाशित होता। सेब देखिबा के उपन्यासर के चरित्र माटीर मनीष उपन्यास चरित्र होची बरजु प्रधान आजीर मनीष उपन्यासर चरित्र होची दिवाकर अमरचिता उपन्यासर चरित्र होची शुभकांत मुक्तागढ़र क्षुधा उपन्यासर चरित्र होची सनातन। परवर्ती प्रश्न बास्तव आदर्शवाद और गांधीवादर चित्र कालिंदी चरण के उपन्यास देखा मिले ऑप्शन देची आज मनीष अमर चिता माटीर मनीष ना मुक्तगढ़र क्षुधा। प्रश्न कौन कह बास्तववाद आदर्शवाद और गांधीवादर चित्र कालिंदी चरण के उपन्यास देखा मिले जो देखा सठिक उत्तर ठीक माटीर मनीष। परवर्ती प्रश्न माटीर मनीषर परवर्ती उपन्यास केउठुकु पूर्णांग भावरे धरि निया जाए ऑप्शन देची आजीर मनीष लुहारा मनीष मुक्तागढ़र क्षुधा ना अमर चिता। प्रश्न कौन कह माटीर मनीषर परवर्ती उपन्यास भावरे काहाकु धरि निया जाए तो माटीर मनीषर पूर्ववर्ती उपन्यासटी कौन ता होची लुहारा मनीष। सबुज गोष्ठी द्वारा रचित बासंती उपन्यासर नायक किए ऑप्शन देती रवि चंद्रकांत देवदूत दिवाकर। सबुज गोष्ठी मानक द्वारा रचित बासंती उपन्यासर नायक किए तो देखा सठिक उत्तर हूँ देवव्रत। आपण मान प्रश्न रो बासंती उपन्यासर सबुठ अधिक परिच्छेद किए रचना कर आउ एही टोटल परिच्छेद संख्या केते कमेंट बॉक्स रे उत्तर देबे। हराबो नेत्रमणि के उपन्यास दुई नारी चरित्र ऑप्शन देची आजीर मनीष अमरचिता मुक्तागढ़र क्षुधा माटीर मनीष। हराबो ओ नेत्रमणि के उपन्यास दुईटीर नारी चरित्र जो देखा सठिक उत्तर होची माटीर मनीष। मुक्तागढ़र क्षुधा विराल व्यासनरे बुड़ी रही क्यों व्यक्ति परवर्ती अमरचिता उपन्यास पूर्णता लाभ करिछि ऑप्शन दे शुभकांत दिवाकर ठकड़ी ना चंद्रकांत। प्रश्न कौन कह मुक्तागढ़ क्षुधार विलास व्यसन बुड़ी रही क्यों व्यक्ति परवर्ती अमरचिता उपन्यास पूर्णता लाभ कर देखा सठिक उत्तर हम शुभकांत। माटीर मनीष उपन्यास रामेश्वर छकड़ी स्थिर कला बड़ भाई बरजू ठार अलग हेबा माटीर मनीष उपन्यास परामर्श रे एटा भूल देछि परामर्श रे छकड़ी स्थिर कला बड़ भाई बरजू ठार अलग हेबा ऑप्शन देछि धर्मदास
ହରି ମିଶ୍ର, ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଣ, ଯଦୁ ଦଳେଇ। ନା ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ସରି ଉପନ୍ୟାସରେ କାହାର ପରାମର୍ଶରେ ଛକୋଡ଼ି ସ୍ଥିର କଲା ବଡ଼ ଭାଇ ଠାରୁ ବରଜୁ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଠି ହେବ ହରି ମିଶ୍ର। ବରଜୁକୁ କାଳିଚରଣ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କରାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚରଖା ଚଲାଇ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆଜିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା, ନା ଅମର ଚିତା? ନା ବରଜୁକୁ କାଳିଚରଣ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କରାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚରଖା ଚଲାଇ ଶେଷରେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲୁହାର ମଣିଷ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନେଇ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଓ ଅମର ଚିତା। ନା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କୁ ନେଇ ରଚିତ? ଦେଖିବାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଓ ଅମର ଚିତା। କେଉଁଟି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ? ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ, ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା ହେଇଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କେଉଁଟି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା ହେଇଛି। ଶେଷ ରଶ୍ମି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଅନ୍ନଦାସଙ୍କ ରାୟ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶେଷ ରଶ୍ମି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଟ୍ ଘର ରେଳଗାଡ଼ି, ମାଂସର ବିଳାପ, ସାବିତ୍ରୀର ଦୁଃଖ, ଆତ୍ମକାହାଣୀ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ କେଉଁଠି? ଦେଖିବା ଯଦି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମୁକୁର, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ନା ସହକାର। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ବିଧବା ବିବାହ ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତଃପ୍ରାଣୀ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ବିଜୟ ଉତ୍ସବ, ହୃଦୟ, ନା ଉପହାର। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ବିଧବା ବିବାହ ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତଃପ୍ରାଣୀ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ସମୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 1927, 1920, 1925, 1922। ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଗଳ୍ପର ରଚନା ସମୟ କେବେ? ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1920। କେଉଁ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ନବୀନ ଓ ନାୟିକା ହେଉଛି ସୁଷମା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜୟହିନ୍ଦ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ନିୟତିର କ୍ରୀଡ଼ା। କେଉଁ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ହେଉଛି ନବୀନ ଓ ନାୟିକା ହେଉଛି ସୁଷମା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକ କରୁଣ
आलोक्य। ऑप्शन दे पुनिया घर, सॉरी पुनिया कथा, विजय उत्सव, सृजन स्वप्न, उत्सव शेष। क्यों गल्पटी युद्धकालीन ओडिशार सामाजिक जीवन एक करुण आलेख्य? तो देखा सठिक उत्तर हूँ विजय उत्सव। परद प्रश्न, विजय उत्सव गल्पटी कालिंदी चरण को केबे प्रकाशित होता? ऑप्शन देखिए 1928, 1926, 1930 और 1935। विजय उत्सव गल्पटी कालिंदी चरण को केबे प्रकाशित होता? तो देखा सठिक उत्तर हाँ 1928 मसीह। परवर्ती प्रश्न, कालिंदी चरण पाणिग्राही क्यों गल्परे अर्थनैतिक वैषम्य जनित धनी और दरिद्र प्रति भिन्न भिन्न सामाजिक दृष्टि चित्र करा जाएगी? ऑप्शन देखिए रेंगुन जात्री, रुद्राक्ष, चकबुलु थाई, मांसर विलाप। प्रश्न कौन कही कालिंदी चरण पाणिग्राही क्यों गल्परे अर्थनैतिक वैषम्य जनित धनी और दरिद्र प्रति भिन्न भिन्न सामाजिक दृष्टि चित्र दि जाए? सठिक उत्तर चक बुलु थे। रुद्राक्ष जहाँकि 1932 प्रकाशित, नियतिर क्रीड़ा जहाँकि 1925 प्रकाशित। ना विधवा समस्या उपरे आधारित गल्प द्वारा षष्ठा की? षष्ठा होती कालिंदी चरण पाणिग्राही जहाँकि रुद्राक्ष और नियतिर क्रीड़ा, ये दुईटी गल्प जहाँकि विधवा समस्या उपरे आधारित गल्प। क्यों गल्पर ओडिशार ऐतिह परंपरा श्री जगन्नाथ और कोणार्क मंदिर शिल्प चाचुर्य संपर्क में वर्णित करा जाएगी? ऑप्शन देती मो कथा दे सरी ना, मणिमा, जय हिंद, हृदय। क्यों गल्पर ओडिशार ऐतिह परंपरा श्री जगन्नाथ और कोणार्क मंदिर शिल्पी चातुर्य संपर्क में वर्णित हो? तो देखा सठिक उत्तर हूँ मो कथाटी सरी ना। मांसर विलाप गल्प केबे प्रकाशित? 1924, 1928, 1932 ना 1926। मांसर विलाप गल्पटी जब देखा जैक 1926 मसीह प्रकाशित। कालिंदी चरण क्यों गल्पर इरेज ग्रेस हांट डोरा और देसी अरण्यर कृष्णसार जल्ली दुहें परस्पर आबल्य बंधु थे? ऑप्शन देखिए मांसर विलाप, मणिमा, झड़र इकल धरणीर कृष्णसार, कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य। तो देखा सठिक उत्तर मांसर विलाप, जल्ली और डोरा। मानवतार चरित्र मध्यम मानविक संवेदनतार एक स्मरणीय सृष्टि कालिंदी चरण को क्यों गल्पटी? हृदय, मणिमा, मांसर विलाप, पशुपक्षी काव्य। यह हूँ मांसर विलाप। आपण मन प्रश्न रशुपक्षी काव्य यहाँ किए रचना करते? क्यों गल्पर जह्न और दाम दुईं हृदय प्रेम नैसर्गिक जनित व्युति प्रकटित? नियति क्रीड़ा, बीट ग्रह हो रेलगाड़ी, निशिथिनी, मणिमा। दाम और जह्न क्यों गल्पर दुईटी चरित्र? यह हूँ बीट घर और रेलगाड़ी। कालिंदी चरण क्यों गल्पटी
ଇଂରେଜ ଲେଖକ ଜର୍ଜ ଇଲିଟିୟଙ୍କ ସାଇଲାସ ମାର୍ଡନର ଗଳ୍ପର ଛାୟାରେ ରଚିତ ହେଉଛି ଡାହାଣୀ ଗୁଡ଼ି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର କ୍ରୀଡ଼ା ଗଳ୍ପରେ ନାୟିକା କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସୁଷମା, ସୁରମା, ସାଗରିକା, ମଣିମା। ନିୟତିର କ୍ରୀଡ଼ା ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ହେଉଛି ସୁରମା। କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଆହୁତି, ରଶ୍ମିରେଖା, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଆଦି ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରେମ, କାରୁଣ୍ୟ ଓ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିଳାଷ? ହେଉଛି କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ। ଆଜିର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯାହାର କି PDFଟି ସେଠୁ ପାଇଯିବେ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।